गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज हम उसका थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की, यानी कि खत्म कर दिया मोनार्की, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी थी, एंड प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, या अपने आप को उन्होंने रिपब्लिक घोषित कर दिया। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। प्यारे बच्चों, मोनार्की आपको समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझ में आ गया, अब जो रिपब्लिक है हम उसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी कंट्री का जब आप ऑफिशियल नाम देखेंगे तो आप उसका नाम ज्यादातर कंट्रीज का आप देखेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, इस तरीके से आप रिपब्लिक जो है उसको आप देखेंगे। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि अब मोनार्की जो है उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, हेरिडेटरी नहीं है अभी। अब क्या है कि लोग जो है, यानी कि जो जो भी रिपब्लिक होती है उसमें जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, प्यारे बच्चों, हेड ऑफ द कंट्री, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द जो कंट्री होते हैं उनको वहां के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका की जो राष्ट्रपति है उनको डायरेक्टली चुना जाता है, वहां के लोग वोट डालते हैं और उनको चुनते हैं डायरेक्टली। लेकिन हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द कंट्री है, दैट इज प्रेसिडेंट, मिस्टर रामनाथ कोविंद या उनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनको मतलब लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुना है, इनडायरेक्टली चुना है। हम एमएलएज और एमपीज को चुनते हैं, वो फिर जाकर उनको चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप कि रिपब्लिक आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि आपको ये पूरी स्टोरी याद है किस तरीके से जो प्राइस है काफी राइज हो रखा है ना, फ्यूडल सिस्टम, जो टैक्सेस हैं, जो फिर मतलब जो फिलोसफर्स की जो बातचीत हो रही है, फिर आपने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना, और उसमें हमने देखा कि जो रिचर सेक्शन है यानी कि जो पैसे वाला तबका है वही इलेक्टोर्स बन रहे थे, उन्हें कोई राइट टू वोट था या वही नेशनल असेंबली तक पहुंच पा रहे थे। यानी कि जो गरीब तबका था, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या थी, आपने देखा ना 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी थी जो एक्टिव वोटर्स थे, है ना। उसके बाद इलेक्टोर्स तो सिर्फ 50,000 थे, और फिर जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे, दैट इज ओनली 745। तो ये जो एक गरीब तबका था, जो मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता था, जो पढ़ा लिखा था, जो समझदार था, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। तो जैसे ही फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जब उन्होंने अपने आप को घोषित किया, तो ऐसा मतलब नेशनल असेंबली तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि जो किंग है यानी लुई 16 जो है वो प्रशिया, प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि प्रशिया को पहले, मतलब जिसको हम जर्मनी अब हम बोलते हैं, वो पहले प्रशिया था। एग्जैक्ट ये लोकेशन नहीं थी, उसकी लोकेशन चेंज थी, बट प्रशिया को ही जर्मनी बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि प्रशिया कौन सा देश है, पहले जर्मनी को प्रशिया बोला जाता था। तो उसके साथ निगोशिएशन यानी बातचीत में था वो कि किस तरीके से मतलब उस हेल्प की जाए फ्रांस की। तो प्रशिया के किंग से वो हेल्प मांग रहा था, निगोशिएशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था। तो ये जो एक तख्ता पलट हुआ था, है ना, मोनार्की से जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था, इसके कारण जो आसपास जितने भी देश थे उस समय के, हालांकि वो देश नहीं थे, जो भी उनके किंगडम्स थे, ऑस्ट्रिया है या प्रशिया है या जो और है, उनके जो किंग्स थे उनको भी अभी चिंता सताने लगी कि जो फ्रांस में हो गया वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो फ्रांस के किंग की सपोर्ट करना चाहते थे। तो इससे पहले कि वो उनसे निगोशिएशन कर ही रहे थे प्रशिया के साथ, नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये हमारा प्यारा भारत, और यहां से हम जब यूरोप में जाते हैं तो फ्रांस के बिल्कुल साथ में यहाँ पे जर्मनी है, दैट इज प्रशिया, और यहाँ इटली। इटली जो है ये मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक शूज है उससे आपको इजीली याद रहेगा, शूज की शेप में डिंगोज, इसके बिल्कुल आप यहां देखेंगे छोटा सा, इस समय छोटा है ऑस्ट्रिया, लेकिन किसी समय पे बहुत बड़ा एम्पायर होता था। आप 10th में देखेंगे हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में ऑस्ट्रिया आता था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो इनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। प्यारे बच्चों, इस पूरे पार्ट में हमें, जैसे हमने 1614 से स्टार्ट किया, 1715 में आए, फिर 1774, 1789 में हम ओल्ड रिजीम और पॉपुलेशन को देखा, फिर हमने मई जून
जुलाई और अगस्त में देखा है ना, ये हमने चार कंटिन्यूस में देखे। फिर हमने 1791 में एक ही डेट देखी थी, दैट इज फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहां पर आप देखेंगे अप्रैल यानी 92 में जो आपको याद करना है, देखो ये सारी चीजें अप्रैल मई जून जुलाई वाला जो महीना होता है, हमारे यहाँ पे भी गर्मियों का होता है, तो समर्स थी उस समय जब ये रेवोल्यूशन चल रहा था, राइट। तो एक तो आपको याद रखना है कि 1792 में बेसिकली आपको चार डेट याद रखनी है, लेकिन उसमें से एक सिर्फ समर है, यानी कि समर हम इससे वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं, नहीं भी आप याद कर पाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपको मंथ याद रखने हैं 1792 में अप्रैल यानी कि जो ये फोर्थ महीना है उसके इंटू टू यानी कि एट, अगस्त यानी कि आठवां महीना, चौथा महीना फिर आठवां महीना अगस्त और फिर सेप्टेम्बर, यानी कि आपको जो तीन मंथ्स याद रखने हैं, आप तीन डेट्स याद रखनी है, या अगर आप टोटल चार कहें समर को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो अप्रैल अगस्त एंड सितंबर, ये तीन आपको याद रखनी, जैसे आपने वहां पे मई जून जुलाई अगस्त याद रखा था, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जब ये नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर किया तो जो वहां पे जो कॉमन पीपल थे फ्रांस के, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियरली दे एडमिटेड इन आर्मी, है ना, उन्होंने अपने आप को आर्मी में अपनी सर्विसेज देनी एज अ वॉलंटियर स्व इच्छा से, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो युद्ध हो रहा है ये युद्ध मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है। एरिस्टोक्रेसी और नॉबल्स और फ्यूडल्स ये एक ही है, आप इसको ही समझे, राइट। एरिस्टोक्रेसी हो गए, फ्यूडल हो गए, वैसे एरिस्टोक्रेसी मिनिस्टर्स को भी बोल दिया जाता है, लेकिन आप इनको नॉबल्स एज अ नॉबल्स आप इसको देखें। तो इनको ये लग रहा था, उन्होंने क्यों ये सोचा कि भाई ये जो वॉर है ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, हालांकि वो इससे बहुत परेशान थे, जितना भी मेल मेंबर था वो सब वॉलंटियरली युद्ध लड़ रहा था, और उनकी जो वाइफ्स थी या जो घर में जो औरतें थी वो अर्निंग भी कर रहे थे जो पहले वो कर रहे थे, क्योंकि वो तो अब युद्ध में मतलब लड़ रहे हैं प्रशिया और उसके खिलाफ ऑस्ट्रिया की, तो जो महिलाएं उनका काम बढ़ गया यहाँ पर कि उनको घर की देखरेख भी करनी है और अर्निंग सोर्स भी करना है। तो लेकिन फिर भी ये इसको कंटिन्यू करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि एक तो उनको ये लगता था कि एक तो ये राजा और एरिस्टोक्रेसी यानी नॉबल्स के खिलाफ ये एक जंग है, युद्ध है, और हमें इसमें जीतना ही है। दूसरा उनको ये लग रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी थी 1791 में, उसमें रिचर सेक्शन को ही सारे जो राइट्स मिले थे, है ना, जो सोसाइटी थी जो रिचर्स की, कॉमन पीपल को कुछ नहीं मिला, तो वो इसलिए भी चाहते थे कि भाई यहाँ पे चेंज होना चाहिए, राइट। तो उस चीज से भी कहीं ना कहीं नाखुश थे। अब ये जो आप देखेंगे कि इस समय इस चीज को फ्लरिश करने के लिए यहां पर बहुत सारे क्लब्स बने। अब ये जो क्लब्स बने, ये क्लब्स ने क्या किया कि ये जो एक मूवमेंट चल रही थी, जो रेवोल्यूशन चल रही थी, आइडियाज को फैलाने में उसका एक जरिया बना, राइट। तो इनमें से जो क्लब्स थे, इसमें एक सबसे फेमस क्लब था जिसका नाम है जैकोबिन्स क्लब, राइट, उस क्लब का नाम है ना। तो या आप उसको एक पॉलिटिकल पार्टी भी कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अभी उसको एज अ क्लब, क्योंकि आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे फेमस जो क्लब बना उसका नाम था जैकोबिन क्लब, जैकॉब, है ना, जैकॉब से बना जैकोबिन्स। तो जो जैकब है वो एक कॉन्वेंट यानी होता है एक मठ, जैसे हमारे विवेकानंद जी है, उनके जो गुरु है रामेश्वर रामकृष्ण परमहंस, उनके लिए उन्होंने मठ बनाया। तो ये एक तरीके से एक धार्मिक ही वो होता है, तो एक कॉन्वेंट थे सेंट जैकॉब पेरिस में, उसके नाम से जैकोबिन क्लब का नाम आया। और जैकोबिन क्लब के जो फाउंडर मेंबर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि मैंने इनका जब नाम लिया है तो एक बहुत ही अदब के साथ मैंने इनका नाम लिया है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मतलब व्यक्ति थे, आप इनके बारे में आप देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से कई सारे चेंजेस किए, लेकिन ये साथ में बहुत ज्यादा मतलब एक सनकी टाइप थे, और इतिहास में उन्हीं का नाम होता है जो सनकी होते हैं। तो इन्होंने मतलब ये फाउंडर मेंबर थे जैकोबिन क्लब के। अब हम देखते हैं जो इसके जो मेंबर्स थे, जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, प्यारे बच्चों, ये अपने आप को ये पहनते थे स्ट्रिप ब्रीचेस। ब्रीचेस का मतलब होता है पजामा, है ना, पजामे को बोलते हैं ब्रीचेस। तो स्ट्रिप्ट यानी कि जिसपे धारियां होती है, जैसे हम अमूमन आप यहां देखेंगे ये स्ट्रिप्ट जो आपकी बुक में भी दी हुई है, ये इस तरीके से, ये अगर जैसे जैकोबिन के मेंबर्स की आप इमेजिन करेंगे तो यानी कि उन्होंने फुल पैंट पहनी होगी पहली बात तो, और वो स्ट्रिप्ट होगी। दूसरी चीज, उन्होंने रेड कैप डाली होगी, और रेड कैप आई होप यू रिमेम्बर फ्रीजियंस, है ना, फ्रीजियंस FPHRYGIANS, है ना। तो वो क्या शो करती है, लिबर्टी को, है ना, स्वतंत्रता को। तो वो ऐसा क्यों, और ये जो इन्होंने फुल स्ट्रिप जो पहनी, ये कहीं ना कहीं जो डॉक यार्ड, आप समझते हैं जो समुद्री इलाका होता है जहां पे पोर्ट बने होते हैं, वहां पे जो डॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उसमें जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनकी मतलब ऐसी सी ड्रेस होती है, तो उससे इन्होंने कहीं ना कहीं
रिजेंबल किया। तो और ये जो रेड कैप जो इन्होंने डिनोट किया, सिर्फ मैन ही डाल सकते थे, वुमेन्स वर नॉट अलाउड। तो अब आप वुमेन को भी आप देखेंगे किस तरीके से उनका रोल, आपने पहले भी देखा है कि उन्होंने घर संभाला और परिवार को संभाला, अर्निंग को भी संभाला। तो पहली चीज तो उन्होंने फुल स्लीव्स, फुल ब्रिजेस डालना शुरू किया, स्ट्रिप्ट। ऐसा उन्होंने क्यों किया? टू अपार्ट फ्रॉम, यानी कि वो एक डिफरेंट दिखे, क्योंकि जो नॉबल्स थे स्पेशली, जो हाई क्लास, जो रिचर सोसाइटी थी, वो हाफ ब्रिचेस पहनते थे, यानी कि नी ब्रिचेस उसको बोलते हैं, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं बरमुडा या कैप्री आप उसको कह सकते हैं। तो जो नॉबल्स थे वो हमेशा कैप्री डालते थे, राइट, या उसको आप बोल सकते मतलब हाफ पैंट डालते थे। तो उन्होंने उससे अपने आप को अलग दिखाने के लिए स्ट्रिप और फुल ब्रिचेस डालनी शुरू की, नंबर वन। दूसरी चीज, उन्होंने कैप डालनी शुरू की। तो इसी वजह से इनको बोला जाता था सैंस क्लूटॉस, यानी जैकोबिन के जो मेंबर्स थे उनको क्या बोला जाता था? सैंस क्लूटॉस। अभी जो सैंस क्लूटॉस का लिटरली मतलब होता है मैन विदाउट नी ब्रीचेस, यानी कि वो व्यक्ति जिसने नी ब्रीचेस, यानी कि नी यानी कि हमारे जो घुटने हैं वहां तक की जिसने नहीं पहनी है, विदाउट नी ब्रीचेस, यानी कि उसने कितनी फुल ब्रीचेस डाली हुई है नीचे तक, राइट। तो ये हमने मेंबर्स के बारे में देखा। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको बताया था रोमांटिसिज्म है ना, उसमें सॉन्ग जैसे हम सुनते हैं, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, लता मंगेशकर जी ने जो गाया। तो ये जो गाने कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय भावना को जगाते हैं। तो ऐसी एक रॉजेट डी लिस्ले एक व्यक्ति थे, आपको नाम याद रखना है प्यारे बच्चों, और इसकी स्पेलिंग को आप देखेंगे, मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लेके जाऊंगा। तो जहां पर भी वर्ड आ जाता है लिस्ले, इसका मतलब है वो फ्रांस से है व्यक्ति, राइट, लिस्ले। तो लिखने का भी इसका स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो ये जो रॉजर डी लिस्ले हैं, इन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किया, एक पोएट कंपोज की, एक मतलब पोएम कंपोज की, और जिसको बोलते हैं मार्सेलिस से, इसकी मैं स्पेलिंग आपको याद कराऊंगा, मार्सेलिस से। तो ये कुछ वॉलंटियर्स थे जो अलग अलग कंट्री साइड से पेरिस की तरफ कूच किए, एज अ आर्मी पर्सन, मतलब आर्मी की तरफ से या नेशनल असेंबली की तरफ से, जो उससे फाइट करने के लिए मोनार्क और एरिस्टोक्रेसी से, और ये गाना गाते हुए आ रहे थे। और जो जगह थी वो उसका नाम था मार्सेलिस से, जो वो गाना गाते हुए पेरिस तक जा रहे थे, तो इस वजह से इस गाने का नाम क्या हो गया, मार्सेलिस से, राइट। और ये फ्रांस का नेशनल एंथम है आज भी, जो हम देख रहे हैं 1792 में जो उन्होंने गाया था एक जगह से, वो कुछ वॉलंटियर्स गाते हुए निकले थे, और इसलिए उसका नाम ही क्या हो गया, मार्सेलिस से, ठीक है। तो ये जो उनका गाना था या जो उनकी पोएम थी, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रभावित करती थी, और राष्ट्र के प्रति उनके मन में एक मतलब एक उनकी भावना पैदा करती थी ना, काफी उग्र भावना पैदा करती थी। यहां पर आप देखेंगे, आई होप कि आपको मेंबर समझ में आ गए जैकोबिन क्लब्स के, है ना, क्लब्स कैसे बने, कौन सी वो सोसाइटी थी, क्यों वो लड़ रही थी किंग्स के एरिस्टोक्रेसी, और 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था उसमें सिर्फ रिचर सेक्शन को ही फायदा हुआ था, तो इसलिए वो लड़ने और चाहते थे कि लड़े, भले ही वो उससे परेशान थे, उनकी जो औरतें थी, बहनें थी, माएं थी, वो घर संभाल रही थी और अर्निंग की सोर्स संभाल रही थी। फिर हमने देखा कि जो एक सॉन्ग जो वहां का नेशनल एंथम भी है वो किसने लिखा, कहां से वो चालू हुआ और क्या उसका नाम है, राइट। अब आप देखोगे प्यारे बच्चों अबाउट मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, दुनिया को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने सुना है, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आज मतलब है, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ हैव राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर पहला वो व्यक्ति था जिन्होंने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ओनली मैन हैव द फुल सफरेज, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट मेल फ्रेंचाइज, राइट, यानी कि 21 साल से ऊपर, पहले क्या रखी गई थी जब हमने देखा था उसको, जब नेशनल असेंबली में तो 25 एज थी, लेकिन उनके 3 डेज का पैसा भी उसमें जोड़ा होता है। यहाँ पे 21 साल से ऊपर होना चाहिए पुरुष या मैन, उसके पास प्रॉपर्टी हो ना हो, उसको राइट टू वोट मिलेगा। वुमेन को यहाँ पे भी नहीं मिला है। वुमेन को प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उससे ठीक एक साल पहले फ्रांस में राइट टू वोट मिला था वुमेन को, यानी 1946 में जाकर उनको राइट टू वोट मिला, ठीक है। तो ये हम आपको वैसे भी याद रखना, आपकी बुक में भी आगे आएगा। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने दुनिया को, आप देख रहे हैं ना, कोई छोटी चीज नहीं है, वहीं से ये आइडिया है, राइट। तो दूसरी क्या चीज है कि इन्होंने समर ऑफ जो 1792 है उसमें इन्होंने इंसरेक्शन प्लान किया मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने, और ये बहुत तेजी से फैल रहा था क्योंकि ये सबसे पॉपुलर था, तभी आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये मैक्सिमम लेस प्रॉस्परस लोग थे, जो मतलब आर्टिसन पीसेंट, जो गरीब तबका था, वो इसके मेंबर्स थे, उसकी हमने ड्रेसअप देखा। तो इंसरेक्शन का मतलब होता है जब एक
लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जब गवर्नमेंट के खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं इंसरक्शन। तो समर में इंसरक्शन की, अप्रैल में आपने देखा नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया रशिया के खिलाफ कर दिया, फिर हमने समर में देखा इंसरक्शन किया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, फिर हम आ जाते हैं अगस्त के ऊपर, अप्रैल के बाद अगस्त। तो अगस्त में इन्होंने, जैसे हमने पैलेस ऑफ वर्साइल्स पढ़ा था, एक बहुत ही फेमस है, मतलब है वो, आज भी आगे भी आप उसको पढ़ेंगे, तो वैसे ही 10 अगस्त को, अभी हम आज 1 अगस्त है 2020, तो 10 अगस्त है ना, तो उस दिन पैलेस ऑफ TUILERIS ट्यूलरीज, यानी कि पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे अटैक किया, और इसको भी, और यहाँ पे जो किंग थे लुई 16 थे उनको एज अ हॉस्टेज अपने पास रखा, मतलब जो वहां के गार्ड्स थे उन सबको मार दिया ब्रूटली, और जो किंग थे उनको अपने पास एज अ हॉस्टेज, हॉस्टेज यानी कि मतलब जैसे हम फिरौती मांगते हैं किसी से जब किडनैप करते हैं, तो एज अ हॉस्टेज रखते हैं कि जब तक आप सामान नहीं दोगे जब तक हम आपके इस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, तो एज अ हॉस्टेज उसको रखा। और बाद में नेशनल असेंबली ने कहा कि जितनी भी रॉयल फैमिली है उसको जेल में डाल दिया जाए, राइट। तो उसके बाद आप देखेंगे सितंबर 21, 1792 है ना, तो डेट अभी बेशक आप ना याद रखें लेकिन सितंबर 1792 आपको याद रखना है। इस समय इन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया क्या, एज अ रिपब्लिक। तो प्यारे बच्चों जब अगस्त में उन्होंने किया था, हम सितंबर में तो उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया, तो हम दोबारा अगस्त में आते हैं कि उन्होंने जब पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे अटैक किया प्यारे बच्चों, तो साथ में उन्होंने किंग को भी हॉस्टेज कर लिया और सारे जो गार्ड्स थे उनको मार दिया, साथ में इलेक्शन प्रोसेस शुरू करा दिया, और उसमें बोला गया कि 21 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो वोट देने के लिए अधिकारी है, पुरुष है, और नेशनल असेंबली का नाम बदलकर कर दिया कन्वेंशन, कन्वेंशन। तो नेशनल असेंबली का नाम अब क्या बन गया, कन्वेंशन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंडर में। प्यारे बच्चों आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी है, अमेरिका में भी कांग्रेस पार्टी है, हर एक जगह आप कांग्रेस पार्टी देखते होंगे, कांग्रेस का एक शाब्दिक अर्थ होता है ना, तो इसलिए आप अलग अलग जगह देखते हैं, ऐसा नहीं कांग्रेस जो हमारी है वही उसी से इंस्पायर हुए, नहीं, कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ जब आप देखोगे तो उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों का एक समूह, यानी कि वो चला रहे कांग्रेस, है ना। तो इसी तरीके से जो कॉन्वेंशन है जो इन्होंने नेशनल असेंबली का नाम दिया कन्वेंशन, वो भी उसका सिनोनिम है, कांग्रेस का ही सिनोनिम है। अब हम देखेंगे कि आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले समय में, यानी कि 91 में हो गया, 79 के बाद 1789 के बाद 90, 91, 92, although Louis XVI had signed the constitution, constitution ko sign kar diya tha, he entered into a secret negotiation yani baatcheet with the king of Prussia. Rulers of the other neighboring countries too were worried by the development in France, yani ki jo neighboring country ke the wo bhi worried ho gaye the, and made plans to send troops, yani apni army bhejne ke liye, to put down the events that had been taking place there since summer of 1789, यानी कि वहां से जो चल रहा है, समर दो बार आएगा 1789, वो भी अप्रैल मई में चल रहा था आप देख रहे हैं ना, और ये भी अप्रैल मई में 92 में। बिफोर दिस कुड हैपन, जैसे ये होने से पहले द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। आई होप कि आपको जर्मनी और ऑस्ट्रिया की लोकेशन पता है। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. हजारों की संख्या में लोगों ने आर्मी ज्वाइन करनी शुरू कर दी। They saw this as a war of the people against kings and aristocracy all over Europe. यानी कि वो इस युद्ध को ऐसे नहीं मान रहे थे, वो मान रहे थे कि किंग और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है। Among the patriotic songs, patriotic का मतलब होता है देशभक्ति, है ना, देशभक्ति songs they sang was a merciless. आप देखेंगे पहले बच्चों, मैंने ये लिखा है, आप बाद में भी देखेंगे, मार्सी, MARSE, मार्से, और बीमार को इंग्लिश में, बीमारी को क्या बोलते हैं, इल, ILL, और ऐसे हमारी तो जैसे तैसे, ऐसे AISE, मार्से इल एस, ये वो जगह थी जहां से जो उनका नेशनल सॉन्ग बना मार्सिल एस, ऐसे, जहां पे ऐसे आ जाएगा यानी कि वो उनका नेशनल एंथम है, जहां पे ES आ जाएगा लास्ट में, मार्से वही रहेगा, इल भी वही रहेगा, ES आ जाएगा, तो इसका मतलब वो जगह है। और प्यारे बच्चों अगर ये फ्रांस है, अगर ये फ्रांस है आप देख रहे हैं, मैंने यहां बनाया, तो इसके यहां पे साउथ में जो ये है, बिल्कुल यहां पर वो जगह है मार्सिल एस, मार्सिल एस, मार्सिल एस वो जगह है जहां से पेरिस की तरफ कुछ वॉलंटियर्स ने कूच किया था, और ये जो सॉन्ग बनाया गया था, ये बनाया था रॉजर डी लिस्ले ने, और इसलिए इसको मार्सिल एस से, एस से बोल रहा हूं मैं, ताकि आप इसकी स्पेलिंग को याद रख सकें, एस से और एस में फर्क है, एस इज द प्लेस,
एसे इज द सॉन्ग, जो उनका नेशनल एंथम है. अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे सेंग वॉज द मार्सेलस कंपोज बाय द पोएट रॉजेट डी लिस्ले. आप इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, एल फिर एक एपोस्ट्रॉफी है, आई एस एल ई लिस्ले. जहां से जहां पे भी आप ये वर्ड्स पढ़े आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति फ्रांस से है. इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सेलस, जो मैंने आपको जगह दिखाई है फ्रांस के साउथ में, एज दे मार्स्ट इन टू पैरिस एंड सो गॉट इट्स नेम. द मार्सेलस ए इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो निगोशिएशन हुई उसके बाद जो वरिड थे और प्रशिया और उसके खिलाफ अप्रैल में जो अटैक किया और जो पेट्रियोटिज्म को बढ़ाने के लिए जो नेशनल सॉन्ग हुआ जिसको नेशनल एंथम बोलते हैं उसकी क्या कहानी है. द रेवोल्यूशनरी वॉर, अब आप देखेंगे कि इनके लिए अच्छा नहीं था, बॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू पीपल. व्हाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर. मतलब भले ही परेशान थे, कन्विंस थे कि नहीं ये और बढ़नी चाहिए. एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी अमीरों को इस वहां पे राइट्स मिले थे. पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट यानी कि वो जरिया बने, यानी कि वहां पे स्प्रेड करना अपने आइडियाज को कि हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे इस वॉर को, रेवोल्यूशन को. फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो क्लब्स हैं उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको डिस्कस किया जाता था एंड प्लान देयर ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्शन कि हमें क्या एक्शन लेना है. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, राइट. तो जैकोबिन जिनको क्या बोला जाता है, सैंस क्लूटॉस, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट. कॉन्वेंट का मतलब होता है मठ, मैंने आपको बताया, ऑफ सेंट जैकोब, जैकोब से बना जैकोबिन्स, और इन पैरिस. वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ऑन क्लब्स. देखो वुमेन को कोई राइट टू वोट नहीं मिला 1946 तक, लेकिन उन्होंने भी उस समय भी काफी काम किया था, जैसे कि आप देख रहे हैं उन्होंने अपने क्लब्स भी बनाए. सेक्शन फोर आप आगे देखेंगे, जैसे हम पार्ट थ्री देख रहे हैं, फोर में आप देखेंगे विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स. द मेंबर ऑफ, हम देखेंगे जो जैकोबिन्स के जो मेंबर्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज थी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उनकी ड्रेस अप एंड कैसे वो डिफरेंट अपने आपको दिखाते थे. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब तबका. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स. द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. प्यारे बच्चों स्पेलिंग आप बिल्कुल ध्यान से इसकी पांच बार लिखेंगे एंड यू हैव टू लर्न इट. अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स. तो उन्होंने अपने आपको डिफरेंट शो करने के लिए, क्योंकि काफी पॉपुलर हो गया था, तो उन्होंने अपनी लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स. दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सोसाइटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नॉबल्स, क्योंकि वो लोग क्या है आधी हाफ ब्रीचेस डालते थे. हु वॉर नी ब्रीचेस, जिसको हम नी ब्रीचेस, हाफ यानी नी, जो हमारा घुटना है. इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस, यानी कि जो नी ब्रीचेस डाल रहे हैं, जो अपनी पावर जो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ये चेतावनी या उनको कह रहे थे कि अब तुम्हारी पास कोई पावर नहीं है, वी हैव द पावर. तो ये वो शो करना चाहते थे, उनसे डिफरेंट भी होना चाहते थे और उनको ये दिखा रहे थे कि अब हम स्वतंत्र हैं. दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैंस क्लूटॉस. स्पेलिंग ध्यान देंगे आप इसकी, सी यू एल ओ क्लो टी टी ओ ई एस सैन, सॉरी एल ओ टी टी ई एस सैन क्लू टॉस, एल ओ टी टी ई एस सेंस क्लूटॉस, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिचेस, यानी कि जो नी ब्रिचेस नहीं है, इसका लिटरली मीनिंग. वन मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. सेंस क्लूटॉस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइजेस लिबर्टी. वुमेन हाउएवर नॉट अलाउड टू डू सो. अगर आपसे पूछा जाए रेड कैप मतलब वन मार्क के क्वेश्चन में कौन अलाउड नहीं थे, मैन और वुमेन या बोथ, है ना, या दोनों ही अलाउड थे, तो वुमेन वर नॉट अलाउड. अब आप देखेंगे लास्ट सेक्शन में, इन द समर ऑफ 1792 यानी कि अप्रैल में उन्होंने अटैक किया प्रशिया ऑस्ट्रिया पे 1792 में, तो अब मई जून जो वाला टाइम है, जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरक्शन, है ना. इंसरक्शन आपको याद रखना है, जब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है एक नेशन की वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, तख्ता पलट करे. ऑफ लार्ज नंबर ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस, पेरिसियंस यानी जो पेरिस के जो लोग हैं, जैसे केवी, केवी में जो पढ़ने वाले बच्चे उनको क्या बोलते हैं, केवियंस, हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, ठीक है, आज हम 1 अगस्त है, आज 10 अगस्त, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज, मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज, हॉस्टेज एज अ सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया, मैसेक फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए उसको रखा, बाद में क्या हुआ, लेटर द नेशनल असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, यानी कि उनको जेल में डाल, पूरी रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाए, इसके लिए वोट डाली गई नेशनल असेंबली में, इलेक्शंस वर हेल्ड, फिर साथ में इलेक्शंस हेल्ड किए गए, फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, यानी कि वेल्थ अब पैसे से नहीं, राइट, तो वैसे ही रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, 1 मार्क, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए नेशनल असेंबली का नाम क्या बन गया, कन्वेंशन, ऑन 21 सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, सेप्टेम्बर की 21 सितंबर, किसी का अगर बर्थडे आप में से 10 अगस्त या 21 सितंबर को है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्यारे बच्चों, 1792 इट एबोलिशेस द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक, एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की, you can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they become so, to jaisa maine bataya maximum country mein aap republic, louis 16 was sentenced to death, aap dekh rahe hain louis 16 jo king hai usko sentenced to death yani ki mrityu dand diya gaya by a court on the charge of treason on 21st january 1793, yani ki 92 ka time period khatam ho gaya hai, ab 93 mein jo pehli date hai aur pehla hi mahina hai 21st January 1793 को उसको ही एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, मतलब सरेआम राजा को मारा गया एक स्क्वायर पर, है ना, स्क्वायर का आप नाम देखेंगे, एट द प्लेस डेला कॉनकोर्ड, प्लेस डेला कॉनकोर्ड, तो ये जगह आपको याद रखनी है, प्लेस डेला कॉनकोर्ड वो स्क्वायर का नाम है, द क्वीन मैरी एंटोइनेट जो उनकी पत्नी थी उनको अक्टूबर में, लेकिन आपको इसका मंथ याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे आपको बता रहा हूं, आपकी बुक में नहीं है, मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, यानी कि जनवरी में उनको मारा, अक्टूबर में इनकी वाइफ को भी मार दिया, राइट, उनको भी गुलेटाइन किया, और गुलेटाइन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आप आगे देखेंगे जो रायन ऑफ टेरर में, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज का ये हमारा टॉपिक काफी लंबा हो गया है, लेकिन आप डेट्स को, एक तो टाइमलाइन आप साथ साथ में बनाएंगे, जो जैकोबिन क्लब है कैसे उसका नाम मिला, उसके मेंबर्स की क्या आइडेंटिटी है, फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया, इंसरक्शन किया, राइट, सारे गार्ड्स को मरवा दिया गया और उनको एज अ हॉस्टेज रख लिया, नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन बदल दिया, और जो एज है राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग दिया गया, 21 उसको रिड्यूस किया गया और अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया गया, तो ये सारी चीजें किस तरीके से सीक्रेट निगोशिएशन हो रही थी, उसके बाद नेशनल असेंबली ने वोट किया टू वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, तो प्यारे बच्चों फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो प्लीज 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 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे, तो मैं बुक से इसलिए भी आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों ताकि कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा आपको वो लगेगा, लेकिन फॉर योर क्लिक, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।